टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नाइतने खजिन मरसंग किसिंग संग जतन नो हाय नो हाय लाम सगो टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि कक्टुमाव कक्टुमांखा तिनि 7 नवंबर 2023 साल मारि तिनि नि ओसाल मारि ओ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर त्रिप्राणी अबनो कायसा मुंगनांग इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर अब बोजुंग नगर क्लायो ओ जागाव तिनि टीआरपीसीएल चेयरमैन परम गनांग से मिस पाटल को जमाटी विजिट ओ जगह फाइ सकपैया तीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर और कैसा बेम्बू इंडस्ट्री दंग अबंखा बेम्बू इंडस्ट्री तई बरक टाबुक ओ जगह फाइ कग्लाम सालय टंगलायो हाइके टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल चायवी नाइटी अबका हाई कटाल कटाल को ककमा माननी बागई। यहाँ जो आप लोग इकट्ठा हुई है इसका क्या कारण है और इस जगह का क्या नाम है? हम लोग इकट्ठा हुए हैं बैम्बू से को प्रमोट करने के लिए। मैडम पताल कन्या जमातिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैप्टन साहब, कैप्टन राठी, सुनील जी राजस्थान से और मैं, हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर राडो बैम्बू वेलफेयर कॉरपोरेशन जो कि स्टार्टअप है ग्रीन टेक्नोलॉजी, हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पर त्रिपुरा में जो पहले लीड कर रहा था अगरबत्ती स्टिक के लिए, अराउंड 40% स्टिक पूरे इंडिया का त्रिपुरा से जा रहा था, चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट की वजह से यहाँ पर बंद हो गया, तो वापस उस काम को रिवाइव करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आपका क्या परिचय है? मैं यहाँ पर इंडस्ट्री चलाता हूँ पिछले 13 साल से और हम लोग अभी, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है रजिस्टर्ड इन त्रिपुरा, हम लोग अगरबत्ती स्टिक और बैम्बू रिलेटेड और प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का बोजुंग नगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। सर, ये जब बैम्बू स्टिक के बारे में आप बोल रहे थे, इस बैम्बू स्टिक की बिजनेस मतलब इंडस्ट्री की तरफ से जितने भी त्रिपुरा एरिया, ट्राइबल एरिया, रूरल एरिया के लोगों पर कितना बेनिफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या क्या फैसिलिटी मिले जाएंगे? फैसिलिटी तो ये है कि अगर ये इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होती है और गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर बहुत सारा काम कर रही है, काफ़ी दिनों से कर रही है, अगर हम इसको डेवलप कर पाएँ, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर पूरे इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया जाए, चाइना और वियतनाम से जो इम्पोर्ट हो रहा है वो कम हो जाए, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये छोटा लघु कुटीर उद्योग है, घर घर में हम लोग इसको प्रमोट कर सकते, घर घर में इंडिविजुअल आदमी भी इस पर काम कर सकता है। सर, आपने कहा कि घर घर में भी ये प्रमोट कर सकते हैं, तो अभी इसको प्रमोट करने के लिए जैसे कि गांव त्रिप्रासा एरिया, ट्राइबल एरिया पे आपने इसका काम शुरू कर दिया क्या? सर, हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी मशीन के माध्यम से टेक्नोलॉजी भी डेवलप करा है, जो होम स्टेड सोल्यूशन है, घर पे मशीन दे के घर पे उनको काम देते हैं बजाय कि उनको हमारे यहाँ पर काम करने के लिए बुलाएं। कितने सारे मतलब कितने बेनिफिशियर्स मिले आपको इसका? अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में करीब 40-50 बेनिफिशियरी है जो अलग अलग तरह से इस पे इसके साथ जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्टली। कौन कौन से एरिया में आपने ये काम शुरू किया सर? इनिशियली अभी हम हमारे इसी नज़दीक बोजुंग नगर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट यह है 2024-25 में हम लोग इसको ऑल ओवर त्रिपुरा लेके जाए। और अभी इमीडिएटली मैडम के इसके मैडम ने एक इनिशिएटिव लिया है, हम लोग बैम्बू मैडम बैम्बू प्लांटेशन करवा रही है अम्पी अमरपुर ब्लॉक में, करीब 200 फैमिली बेनिफिटेड होंगे बैम्बू प्लांटेशन से। बैम्बू यहाँ पर बहुत है लेकिन बैम्बू ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलता है, तो जब वो बैम्बू प्लांटेशन होगा तो हमको इजीली एक ही स्पीसी का एक ही तरह का बैम्बू अवेलेबल होगा और उससे हम लोग एक ही तरह की क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा सर, जो बैम्बू लगाने के लिए आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी की तरफ से बेनिफिशियर्स को दिए जाएंगे कुछ? नहीं, इसमें सरकार मदद कर रही है, मैडम ने इनिशिएटिव लिया है, नबार्ड जो है उसको फंड कर रही है, तो सब मिलके सबका इसमें सहयोग रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर आपसे कुछ जानना है? सर, सर से पूछिए पहले। सर जो कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सुनील है और मैं राजस्थान से हूँ और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिले। और चूंकि हम स्वदेशी के पक्षधर हैं तो जब देवता हमारे तो अगरबत्ती भी हमारी होनी चाहिए। हम जो प्लांट यहाँ ला रहे हैं, हम जो यहाँ प्लांट लेके आ रहे हैं, वो प्लांट में लगभग 5,000 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलने वाला है।
और यहाँ के यहीं पर ए टू जेड अगरबत्ती का ब्रांडिंग भी यहीं होने वाला है। जैसे सबसे पहले बाम्बू स्टिक बनेगा, फिर अगरबत्ती बनेगा, उसका हम लोग ब्रांडिंग भी यहीं करने वाले हैं। तो सर, आप यहाँ पे अगरबत्ती बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? क्योंकि त्रिपुरा तो जितने भी है पहाड़ एरिया है, यहाँ पे बैम्बू अवेलेबल ही है, तो जितने भी पहाड़ के लोग हैं वो लोग आपके अब तक पहुँचने के लिए अपने बैम्बू को लेकर अब तक पहुँच के अपने बिजनेस अपना कारोबार जमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेंगे सर? नहीं, हम लोग ये हम जो ये करने वाले एक ही कैंपस में करने वाले हैं सारा। तो लोग जो भी बाम्बू लेके आएंगे वो हमारे कैंपस में लेके आएंगे और उसी से हम प्रोसेस करके हम ये समझते हैं कि जो अब तक बाम्बू का वेस्टेज जो होता है, क्योंकि 85% वेस्टेज निकलता है बाम्बू का, 15% उसकी सिर्फ बाम्बू स्टिक बनती है, उसी से हम अगरबत्ती बनाते हैं। तो हम सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया, उसमें सक्सेस हुए और ये हम राजस्थान में ऑलरेडी कर रहे हैं अभी। तो हमारा राजस्थान में भी काफ़ी सारा है, 4 टन अगरबत्ती का पर डे का हमारा वहाँ का प्रोडक्शन है ही, और हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो जो लाभार्थी हैं वो हम चाहते हैं कि त्रिपुरा है, यहाँ से अगर बाम्बू है यहाँ का है तो यहीं के लोगों को रोज़गार भी मिले और यहीं के लिए काम करें। हम TRPCL के साथ में, मैडम के साथ में हम काम कर रहे हैं अभी और इन्हीं के निर्देशन में सारा हमने सोचा ये सब करने के लिए। सर, आपके यहाँ आके अगर हम बैम्बू बेचना चाहता है तो क्या करना होगा? नहीं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आइए काट के लाइए बाम्बू, हम उसका जो भी जो मार्केट रेट हम देंगे, उसका कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना। हाँ। कोई भी ला सकता है। और आजकल तो वैसे भी जब से मोदी जी आए हैं तब से तो ये इसको वन से निकाल के और इसमें डाला है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी घास है, तो ये तो बहुत बेनिफिशियरी और उसकी वजह से तो बहुत लोगों को रोज़गार मिला है। और हम भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो जितना मोदी जी कर रहे हैं और हमसे जो बन पड़ता है चीटी के बराबर, हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, स्वदेशी का अपना हो, चाइना जितना चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है वो चाइना से इम्पोर्ट बंद हो और यहाँ पर हम अगरबत्ती भी बनाएं, बाम्बू भी स्टिक बनाएं। जब देवता हमारे हैं तो अगरबत्ती भी हमारी जलनी चाहिए। चैनल के जरिए देख लेंगे हमारे न्यूज़ तो जी, अगर उन लोग चाहें तो यहाँ आके किसके साथ मुलाकात करें और इंफॉर्मेशन जी ये कॉन्टेक्ट करें, वो देना चाहें तो एक बार तो यहाँ पर भी दे सकते हैं मनीष जी को। और बाकी का जो हमारा प्लान है, जब प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा तब हम आपको भी बुला के और आप बताएंगे कहाँ पे आप यहाँ ला के दे सकते हैं। सर, जी अगर स्टिक के लिए कोई स्पेशल बैम्बू की जरूरत पड़ेंगे? नहीं, यहाँ पर जो टुल्डा जो प्रजाति मतिंगा जिसको अपन लोकल भाषा में बोलते हैं, वो सबसे मेरे को लगता है कि भारत का सबसे अच्छा बैम्बू है और ये बहुत अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। और आपके जरिए मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जो आपके व्यूवर्स हैं उनके बताएं कि हमको पर डे इसके लिए 40 टन बैम्बू की आवश्यकता रहेगी। 40 टन का मतलब हो गया 4,000 बैम्बू लगभग डेली चाहिएंगे। तो अब आप जिसको भी बोले आप बोल सकते हैं, हाँ लाइए और दीजिए। अच्छा, तो ये हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, उसके बाद तो कोई भी लाके दे सकता है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, बेचने के लिए भी कोई बाउंड्री नहीं है ना? नहीं, आप चाहो जितना लाओ, जो जितना लाएगा हम तो लेंगे ना, हमारे लिए तो अच्छा है कि जितना आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, प्रत्यक्ष तो हम बोल रहे हैं कि 5,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, इसके आप आगे के फायदे देखिए कि अप्रत्यक्ष कितने लोगों को मिलने वाला है कि जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार वालों को। इसके अलावा जब मार्केटिंग होगा अगरबत्ती का तो उनको, जितने बेचने वाले हैं, जितने दुकानदार हैं उनको, मतलब एक अलग सिनेरियो फिट होगा उसमें। ओके सर, थैंक यू। सर से हम कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे। सर, यहाँ आके, ये तो बुजुर्ग नगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ आके आपको क्या देखने को मिला, क्या महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए आप लोग क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ, संजय जी हैं, सुनील जी हैं, यहाँ पे आए और मनीष जी के साथ उन्होंने बात किया। और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन और MOS मैडम पातालकन्या जमातिया जी का, जो इतनी वाइब्रेंसी के साथ एक इनिशिएटिव ले रही हैं और जो हमारे TRPCL के अधीन जो हमारे बायलॉज हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ हमारे त्रिपुरा के लिए ये है कि हम एक PPP स्कीम के ऊपर, इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जिसके अंदर मुझे उम्मीद है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर, अगर चीज़ें सारी की सारी अगर स्मूथ चल रही हैं तो। और उसके अंदर जो बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होता है, एक जो इशूज़ जो हमारे स्टेट के अंदर हैं, एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का है वो इससे एड्रेस होगा। जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि कम से कम 5,000 लोगों को डायरेक्टली इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो 7,000 से 8,000 इसके अंदर लोगों की खपत होगी इसके अंदर, इस काम के अंदर। और जो कि जो हमारा ये एक बैम्बू सेक्टर है और ख़ासतौर के ऊपर अगरबत्ती का सेक्टर है,
तो हमारी आज मैं देख रहा था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो क्लेम कर रहा है कि 60 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन हमें अगर हम काम करेंगे तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो इम्पोर्ट को लेके है कि मैक्सिमम जो ये बैम्बू का जो स्टिक्स वगैरह है और अगरबत्ती है ये सब इम्पोर्ट होता है यहाँ पे। तो हम इसके इस आप लोगों के माध्यम से, और हम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भी देंगे इस चीज़ के लिए कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है अभी फिलहाल 25% इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको बढ़ा के कम भारत सरकार उसको 45% करें। और जो हमारा जो एक हमारी जो भारत सरकार का जो एक इनिशिएटिव और हमारे जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक भारत को और दूसरे जो राज्य हैं सबको देखते हुए एक नारा जो देते हैं, एक स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसकी दिशा के अंदर ये एक 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 मील का पत्थर साबित हो ये, और इसके अंदर हमारा जो भारत है वो तरक्की करे, बिकॉज़ इसका जो डिमांड है वो हर एक हमारा जो रिलीजन है उसके अंदर है और इसकी बहुत बड़ी खपत है। तो हम इसके अंदर ही अगर हम हमारा जो त्रिपुरा है, जो खासतौर पे हमारा अगरतला है, वो अगर के लिए जाना जाता है, तो उसी का हम एक कंसेप्ट यहाँ बना के उसी को हम प्रोजेक्ट करके ताकि हमारा जो त्रिपुरा है वो एक पूरी दुनिया के अंदर एक विश्वविख्यात हो वो, और इसका जो रेवेन्यू है स्टेट के पास रेवेन्यू आए जिससे कि स्टेट का डेवलपमेंट हो और हमारे जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो और भारत का नाम ऊंचा हो। सर, क्या पिछले सरकार की तरफ से ऐसा वाला कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था क्या, आपको ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पिछली सरकार हैं, अगर पिछली सरकार कोई अच्छे इनिशिएटिव लेती तो पिछली सरकार आज यहाँ पर एग्जिस्ट करती। तो सरकारें जब जाती हैं, जब सरकारें गिरती हैं, तो उनका कारण मुख्यतः ये होता है कि उन्होंने कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव नहीं लिए। और यहाँ पे जो अभी सेकंड टर्म मोदी सरकार जी का चल रहा है यहाँ पे, और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हैं डॉक्टर मानिक शाह जी, तो उनके सानिध्य में सारी चीज़ें ये हो रही हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, एक विजनरी गवर्नमेंट है, और विकास की बात करती है, विकास को बात बात नहीं करती, विकास को इम्प्लीमेंट करने की भी हिम्मत है सरकार के अंदर। और जो पिछली सरकारों ने नहीं करके दिखाया वो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले जो टाइम आएगा तो उसके अंदर आप लोगों के सामने वो विकास दिखेगा। विकास छिपाया नहीं जा सकता, विकास सामने नज़र आता है। लोगों की जो एक आर्थिक और जो एक सामाजिक जो सशक्तिकरण है वो लोगों के सामने आएगा। आप लोग भी सशक्त होंगे उसके अंदर सामाजिक और आर्थिक तौर से, तो आपको अपने घर पर ही नज़र आ जाएगा, वो आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सर, यहाँ कितना साल हुआ आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्री सेटिंग कर सेटअप किया था? मैंने तो यहाँ पर तो नहीं किया था, हमने राजस्थान में किया हुआ है। हाँ जी, जो इंडस्ट्री में जो सेटअप की जो बात है, मनीष जी हैं जो राडो ग्रुप से हैं, तो वो यहाँ पे पिछले 12-13 साल से त्रिपुरा सरकार, हाँ जी 12-13 साल से त्रिपुरा सरकार के साथ अपने लगे हुए हैं, और वो मोस्टली अपना एक पैशन के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ही इज़ नॉट ए प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन, लेकिन पैशन के लिए काम कर रहे हैं, अपना जो लोकल जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब उनकी जो विज़न है, और फिर उसके बाद अभी सुनील जी यहाँ पे आए, संजय जी आए, तो वो इस चीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग चाहिए, तो उसमें ये लोग अभी आए हैं और इनके साथ अभी हमारा वार्तालाप चल रहा है इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा अभी। थैंक यू जी। मैडम और विजिट नगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर पार्टिकुलर तबुक और जगह बैम्बू इंडस्ट्री को फाइव सौ पैजा तम उन्नुक फैक्या तम फीलिंग संख्या लोगों को तम साने मैडम प्लीज नहीं दी जो तो नोट पुले ने हम इमारत या फर तानी इंखां के ती प्रहस्ते वो साल बरंग बरंग ने हमारे ने याकली तलक तलक के कासाई तो हो अब साल बरंग बरंग ने निरो सोशल मीडिया निबी सिंती ने खाना गई तो हो नो गई तो हो संगता बो ती प्रहानो सीने और जे नेचुरल रिसोर्स तो मानी सीने ओ हवा असाइनमेंट जो तो मानी खुनी तो मारो अब बेबाक रंगसाक नि बकरी हाइसी आर रंगसाक नि बकरी रोग जों मोंसा जागाव सानंग सामंगाव फनांगमाया फिया बताबक जों तुरुक तुरुक नुखा आबोनो सामंगाव फनांगै सिनि लुकु रोगनो हामारि रनानि बांगै रांगरि ओ याक्लिखौ सुक्ति साना बागै बरनि नुखुं हामारि नि बागै अबो हाइक्लायगै सामुं ताबक जों कायसे एकैसा जतो गोरोङै सामखा एनथां आर नुखजाखा जों तिनि आरो बेम्बु इन्डास्ट्रि सिनि मनीष आग्रवाल जि बर निगो मेरेज डिरेक्टर बनि मेनेजिं डिरेक्टर बनि आन्दारो जों नुखा अबोना आं बनि सिगांबो नायफैखा जे ब अर बेम्बुनो तैयै बिसुक बहार लेबार खायदो जे अर बहाय के एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन नों दं तैसिनि लोकेल जे अगरबत्तीनि जे स्टिक अब ब अर प्रोडक्शन खायगै देसन ब ता खायदों कन्ट्रिब्यूट खायदों अब हायके जों तैबो बिसकाङाव माफिउनायसिनि
जिन्हें कंपनी ने डायरेक्टर सुनील जी ते संजय जी बड़ो फैसो फैफिका बड़ों ने बीसनी जंखाई खनाफिका जे बड़ और अगरबत्ती सुना जाए और अगरबत्ती स्टिक बखाई और जे नांगमानी बेबा ए टू जेड बड़ो सुना फैफिनाई अब ने बीसनी नुकना बड़ो ने खुद खनाकार नुकना इंखा सामू माना पैला नम्बर वन खाके नेशनल रिसोर्स दंगे अब कैसे सामूंगों फनाजाई और लगे लगे जी बड़ो जे यूथ अनएमप्लय दंग बड़ एमप्लयमेंट जेनरेशन मानी बड़ो सामू हम सकना है और नई नुगो हमारी जतने कतर को ओंखे जे प्रफ्रफन इंडिया जो आउट कंट्री फादर हईते जो बनो मानो नहारे आ मानी नहार मानी जो जो नहाखे जे जो फादर नहार मानी जे रंग बैठ आ रंग और लोकल पीपल माना अब हाईकन जी हमारी जो तबानी तब जो सक्राई दूँ तानी खाके अबनी नहार मा मोदीजी नहार मू मोदीजी नागे जे आत्मनिर्भर भारत इंगे भारत बोफ्रा आत्मनिर्भर नहींबा जेफ्रो चीनी और प्रोडक्शन माल नो जो निजे ना बैमानी बदे फादारो सब फाल मानो आफ्रोसी आत्मनिर्भर रंगाई आपने बगे मोदीजी जे विजन एंड मिशन ओ आत्मनिर्भर भारत खाइन थानी गो जत्नी बेम्बू बा वानी कहम हापार खाके नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट विशिंगों जत्नी कहम के त्रिपुरा एंड आसाम किंतु त्रिपुरा जो नुगो 70% चीनी फरेस्ट एरिया और विशिंग जो नुगो वा बसक एवेलेबल इंकार जगते कैसे कक दूँ जे वा वा वेराइटी वा दूँ और विशिंग जे मीटिंग हमारे वन डाल चीनी कक ग्रो बैठे हम वन डाल और वन डाल वन अगरबत्ती स्टिक जत्नी नांगक मानी आपने बगे वन डाल वन एवेलेबल खाने बगे जो प्लांटेशन तक खाजगे दूँ चेंजागे दूँ टी आर पी सी वेराइटी प्लांटेशन विशिंग वा कैसे खब जगह बसका जो ते भी खाईफिना ते जेटा चीन नेचुरल जे वा तक दूमानी आपनों पर जो जो यूटिलाइज खाई इंका हाई बगे जो तीन अब हाई टीम जो एक्सार्ट के जुड़े गो ते टी आर पी सी अब बेलैखेन बेलैखेन सामू कतर याग गागे चीन और यूथ जेनरेशन दो जो तंखाने एमप्लयमेंट जेनरेशन खाई ते जी नेचुरल रिसोर्स देश ने हमारी गो कन्ट्रीब्यूट खाई अब चीन मुद्दा ये इंडस्ट्री कब से शुरू हुआ ये बैम्बू पे हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं 2020 से आरो कैसे बेलाई के नवा सुजना तो 2020 ने सिमी बोरो साचु पाइले एकलाई खाइतो हाइफने सिंग बोनो सुबा लाइजक नाय बा बोनि बिसिन तेब का सालाइजक नाय बोनो तेब फारो लाइजक नाय सिंग ना जागिया ताबो सिंग तेब फारो नाय सिनि सुनिल जे फाइका संजय जे फाइका ते सिंग टीआरपीसी बोनो ना नाय ते मुडी नि नहार मारे ते इंडिया गभर्नमेन्ट टिप्रा गभर्नमेन्ट आबो तो सिंग जतो न सिनि हानो आत निर्भर खायने नि बांगै यूथ दोनों जेनरेट खाने की बगे तो जो खातें जा रही विशिंग सिंगापन तलाई विशेषकर आं तो जो निश्चय खातें जिन्हें कैप्टन जी एस राठी जिन्हें टी आर पी सी वेस्ट दिंग मानी पड़े जत्नी हमारी कम्युनिकेशन दो गाहम के खाई बस गाँव थाने बहुत सकता दूँ तो लुकर जत्नी हमारी माना राजस्थान राजसमंद फ्रॉम राजस्थान राजसमंद फ्रॉम राजस्थान जी